नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय बात करेंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 की हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। अंतिम उत्तर कुंजी में प्रश्नों के उत्तर को निरस्त करने या बदले जाने का है मामला। श्रीगंगानगर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा की जारी अंतिम उत्तर कुंजी में प्रश्नों के सही उत्तर को निरस्त करने या बदले जाने के मामले में दायर रीट याचिकाओं को सुनते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को 2 सप्ताह में जवाब न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किए हैं। उक्त याचिकाएं रायसिंह नगर निवासी पारुल शर्मा, गांव भोपालपुरा, सूरतगढ़ निवासी प्रमिला बिश्नोई और बीकानेर निवासी राधा बिश्नोई की ओर से दायर की गई हैं। परिवादियों के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसंबर 2022 को विज्ञप्ति जारी कर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती के लेवल प्रथम और द्वितीय के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। परिवादियों के आवेदन किए जाने के बाद फरवरी 2023 में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। बोर्ड ने लिखित परीक्षा का परिणाम मार्च 2023 में जारी किया और साथ ही प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से प्रश्नों के विकल्प अथवा उत्तर के सुधार के लिए आपत्तियां मांगी। बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी लेवल प्रथम, हिंदी, अंग्रेजी लेवल द्वितीय में किसी भी प्रश्न को निरस्त नहीं किया गया और रीट याचिका में उठाए गए विवादित प्रश्नों के जवाब भी सही दिए गए थे, जो कि परिवादी के उत्तरों से मिलान पर सही थे। बोर्ड ने जून 2023 में प्रारंभिक उत्तर कुंजी की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए दस्तावेज सत्यापन के लिए विज्ञप्ति के पदों की तुलना में निर्धारित संख्या अनुसार सफल अभ्यर्थियों की सूची और कटऑफ जारी की। इसके साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की गई। परिवादियों को अंतिम उत्तर कुंजी का अवलोकन करने पर पता चला कि बोर्ड द्वारा कुछ प्रश्नों और विकल्प सही होने के बाद भी निरस्त कर दिए गए और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों के उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी में सही होने के बाद भी बदल दिए गए हैं, जिसके कारण परिवादियों के सही परिणाम अंकों को घटा दिया गया है। परिवादियों ने उक्त मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बोर्ड ने बिना किसी आधार के कर दिया फेरबदल, सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। अधिवक्ता यादव ने रीट के माध्यम से न्यायालय को बताया कि विभाग द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद निरस्त किए गए अथवा प्रश्नों के उत्तर बदले जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई आधार परिणाम में जारी नहीं किया गया और न ही संबंध में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिया गया, जबकि परिवादियों के पास निरस्त किए गए और बदले गए प्रश्नों के संबंध में ठोस साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन बोर्ड ने किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट का परिणाम जारी कर दिया गया और फाइनल आंसर की भी जारी कर दी और फाइनल आंसर की में बहुत सारे प्रश्न डिलीट कर दिए, जो पहले पूर्व में जो परिणाम जारी करने से पहले आंसर की बोर्ड ने जारी की थी, जिसमें बहुत सारों के प्रश्न जो सही थे वो फाइनल आंसर की में वो प्रश्न के उत्तर बदल दिए गए या उनको हटा दिया गया है या डिलीट किया गया है, जिसका बोनस नहीं मिला है। बहुत सारे विद्यार्थी जो सिलेक्शन के कगार पर थे वो बाहर हो चुके हैं, जिन्होंने अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है यानी न्याय मांगने के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो आखिर कारण बताइए कि प्रश्न डिलीट करने के कारण क्या रहे, जबकि किसी भी प्रकार की कोई कारण नहीं बताया गया है और सीधे परिणाम जारी कर दिया गया है और विद्यार्थियों की 2 गुना लिस्ट जारी कर दी गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी चल रही है। इससे कई सारे विद्यार्थियों को नुकसान होने वाला है, जिसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। तो विद्यार्थियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, अब देखना है कि आगे क्या होने वाला है। इसी प्रकार की रीड से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू।